हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं किरण रामन ज्ञान के पब्लिशन की बुक्स को। तो इसमें हम लोग बात कर चुके थे इतिहास का एक सामान्य विवरण। अब बात करेंगे हम लोग भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। ठीक है, याद रखिए जितने भी लेक्चर इससे बनते जा रहे हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित, वो किरण सामान्य ज्ञान की प्लेलिस्ट सूची में डले हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ईसा पूर्व की तिथियों के बारे में। 6000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ और बोर्जहोम में भारत के प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन के अवशेष मिले हैं। फिर 5000 से 4000 ईसा पूर्व में बागौर तथा आदमगढ़ के निकट भेड़ बकरी पालन के प्रथम अवशेष मिले हैं। फिर 4000 से 3000 ईसा पूर्व कृषि एवं पशुपालन सभ्यताएं मिली हैं। फिर 2350 से 1750 रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का समय विस्तार। फिर 1500 ईसा पूर्व ऋग्वैदिक काल भारत में आर्यों का आगमन हुआ। फिर 1000 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल आर्यों का पूर्वी गंगा मैदान में विस्तार। फिर 950 ईसा पूर्व याद रखना महाभारत युद्ध हुआ। एनसीईआरटी रामशरण शर्मा के अनुसार 500 ईसा पूर्व, ठीक है, लेकिन 950 ईसा पूर्व में महाभारत युद्ध हुआ। फिर 850, तो ये याद रखना। 23वां तीर्थकर पार्श्वनाथ के जन्म का परंपरागत वर्ष है। फिर 600 से 550 ईसा पूर्व 16 महाजनपदों का उदय, उपनिषदों की रचना, आर्यों का दक्षिण विस्तार हुआ। फिर 540 जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर का जन्म हुआ, महावीर स्वामी का जन्म हुआ 540 में। फिर 540 से 468 ईसा पूर्व जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक वर्धमान महावीर का जीवन काल है। ठीक है, 540 से 468 ईसा पूर्व तक। फिर 563 में बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बौद्ध का जन्म हुआ और 563 से 483 ईसा पूर्व तक बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बौद्ध का जीवन काल है। फिर 516 ईरान के शासक डेरियस प्रथम का भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण है, याद रखना डेरियस प्रथम। फिर 544 से 412 हरेक वंश, इसमें शामिल थे बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन। फिर 483 प्रथम बौद्ध संगति हुई, राजगृह में हुई थी, याद रखना है। फिर 412 से 344 ईसा पूर्व शिशुनाग वंश की स्थापना एवं विस्तार। फिर 483 में द्वितीय बौद्ध संगति हुई, ये हुई थी वैशाली में, पहली हुई कहाँ, राजगृह में। ठीक है, फिर है 344 मगध में नंद वंश की स्थापना। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु। 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना। 305 में सेल्यूकस का भारत पर आक्रमण। 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार शासक बना। 272 से 268 अशोक तथा उसके भाइयों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। ठीक, आगे बात करते हैं। 269 अशोक शासक बना ईसापुर में। 268 से 232 अशोक का शासन कल रहा। 261 ईसापूर्व में कलिंग युद्ध। 257 ईसापूर्व में उपगुप्त द्वारा अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित, याद रखिए ईसा पूर्व ईसा के जन्म से पूर्व की तिथियां हैं, याद रखिए ईसवी पूर्व को कहते हैं, ईसा के जन्म के बाद की स्थितियां, तो इसे बीसी बोलते हैं और इसे एडी बोलते हैं। तो अभी हम लोग बीसी या ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर वही 251 में तृतीय बौद्ध संगति। फिर 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई, कुणाल शासक बना। फिर 200 ईसा पूर्व में, 200 ईसा पूर्व भी बोल सकते हैं और बीडी बोल सकते हैं,
बीसी बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखिए। यूनानियों का भारत में आक्रमण हुआ 185 ईसा पूर्व में। अंतिम मौर्य शासक वेहद्रथ की हत्या, शुंग वंश की स्थापना हुई। फिर आया 75 ईसा पूर्व, कर्ण वंश की स्थापना 30 ईसा पूर्व में सिमक द्वारा। सातवाहन वंश की स्थापना हुई। फिर है 58 ईसा पूर्व, विक्रम संवत का प्रारंभ उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वारा किया। फिर है शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। फिर है 22 ईसा पूर्व, चोल एवं पांडवों का रोम से व्यापारिक संबंध। फिर है ईसवी, बात करने वाले हैं ईसवी की एडी के बारे में, ठीक है। अभी तक बीसी या ईसा पूर्व देख रहे थे, अब एडी, ठीक है। 1415 ईस्वी में रोमन संत सेंट थॉमस का भारत आगमन हुआ। 20 से 40 ईस्वी पूर्व में, ईस्वी वर्ष में गोंडोफर्निस के समय में भारत में संत थॉमस का आगमन हुआ। फिर 45 एडी कुषाणों का भारत में प्रवेश। 65 एडी ईस्वी में चीनी सम्राट का बौद्ध ग्रंथों के लिए भारत में प्रतिनिधित्व भेजना। 77 एडी ईस्वी, फेलनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री। फिर 78 ईस्वी कनिष्क द्वारा शक संवत प्रारंभ किया, जिसे भारत सरकार द्वारा उपयोग में लाया जाता है अभी भी, ठीक है। 78 ईस्वी में 78 से 100 कनिष्क का कालकाल रहा है। 86 से 128 ईस्वी गौतमी पुत्र सातकर्णी तथा वशिष्ठ पुत्र पुलगामी के अधीन सात वाहनों का पुनरुद्धान हुआ 130 से 150 ईस्वी में पश्चिम भारत का महान छत्तव रुद्रदामन प्रथम 225 ईस्वी एडी वकाटक वंश की स्थापना। 226 एडी फारसिया में सासानियन वंश की स्थापना। 250 सातवाहन साम्राज्य का विघटन। 240 से 280 ईस्वी गुप्त वंश की स्थापना, श्रीगुप्त शासक बना। 280 से 339 घटोत्कच सिंहासन पर बैठा। घटोत्कच 339 से 320 ईस्वी चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त वंश की स्थापना हुई। तीन सौ पैंतीस से 375 ईस्वी में समुद्रगुप्त का कार्यकाल, जिसे सैन्य विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 360 एडी में समुद्रगुप्त के दरबार में श्रीलंका का राजदूत आया। 375 में समुद्रगुप्त की मृत्यु, रामगुप्त शासक बना। 380 से 415 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल, गुप्त राज्य का पश्चिम में विस्तार तथा संस्कृत साहित्य का चरमोत्कर्ष। फिर 339 से 414 फाहियान भारत आया। 415 से 455 कुमार गुप्त प्रथम का शासनकाल, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, याद रखना इसी के कालकाल में कुमार गुप्त प्रथम के में, ठीक। बात करते हैं आगे। 450 से 467 स्कंदगुप्त का काल, हूणों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। फिर 467 से 540 गुप्त वंश का अवनति काल। 500 से 532 तोरमाड़ एवं मेहरकुल के अधीन उत्तर भारत में हूणों का शासन। फिर 532 ईस्वी यशोवर्धन द्वारा मेहरकुल की पराजय। फिर 647 तक ईस्वी तक हरस का शासनकाल। फिर 609 में पुलकेशिन द्वितीय शासक बना। 629 से 645 हेनसांग भारत में आया, 600 भारत में रहा, ठीक है हेनसांग। 636 ईस्वी में सिंध पर प्रथम अरब आक्रमण हुआ था। फिर 712 मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर प्रथम आक्रमण, अरब आक्रमण, राजा दाहिर की पराजय। 725 नागवट द्वारा पितिहार राज्य की स्थापना।
753 से 973 दक्कन की राष्ट्रकूट वंश, फिर रहा 760 से 1142 तक पूर्वी भारत के पाल वंश रहे, फिर 770 से 810 महान पाल शासक धर्मपाल का काल रहा है। धर्मपाल के समय भी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 783 से 1836 राजस्थान के वत्सराज द्वारा उत्तर भारत के गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना तथा उनका शासनकाल रहा है, ठीक है। फिर 788 से 820 शंकराचार्य तथा उनके अद्वैतवादी दर्शन से संबंधित है। 835 से 885 गुर्जर प्रतिहार वंश का काल, अरब के व्यापारी सुलेमान का उसके राज्य में आगमन हुआ। फिर 836 में मेहरभोज शासक बना। 850 में विजयालय द्वारा पांडवों को पराजित कर तंजौर पर अधिकार किया। 851 अरब यात्री सुलेमान ने भारत वृतांत लिखा है 851 में, ठीक है। ईस्वी में बात करते हैं आगे हम लोग। 860 सुमात्रा इंडोनेशिया के राजा बलपुत्र द्वारा नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की गई। फिर 871 से 1173 तंजौर की शाही चोल। फिर 883 से 1026 ईस्वी पंजाब और काबुल के हिंदू शाही। फिर 907 में चोल शासक परांतक प्रथम का राज्याभिषेक हुआ। 915 से 925 महान राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय के दरबार में अरब यात्री अल मसूदी का आगमन हुआ। 916 से 1205 जिजागुप्ती के चंदेलों द्वारा खजुराहो में मंदिरों का निर्माण कराया गया। 950 से 1195 मध्य भारत में त्रिपुरी की कलचुरी वंश रहे। 973 से 1238 अनहिलवाड़ा काठियावाड़ के सोलंकी गुजराती चालुक रहे। 977 सुबुक्तगीन का भारत पर आक्रमण हुआ। 985 से 1014 राजराज चोल का शासनकाल, तंजौर के प्रसिद्ध शिव अथवा बेहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ। याद रखना राजराज चोल के शासनकाल में 999 बगदाद के खलीफा द्वारा महमूद गजनबी को स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता मिली। 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी का भारत में काबुल पर प्रथम आक्रमण हुआ। 1000 से 1323 वारंगल के कार्तीय बेतराज प्रथम संस्थापक था इसका, प्रताप रुद्रदेव अंतिम शासक था वारंगल के कार्तीय वंश का, ठीक है। 1001 पेहंद की लड़ाई तथा जयपाल हिंदू शाही शासक की महमूद गजनवी से पराजित हुआ है जयपाल। फिर 1025 से 26 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर की लूटा गया है। 1027 महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण। 1030 महमूद गजनवी की मृत्यु, अलवर्णी का भारत आगमन हुआ। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, पृथ्वीराज द्वारा मोहम्मद गौरी की पराजय हुआ, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज इसमें जीता है और मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। फिर हुआ 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, इसमें मोहम्मद गौरी जीता पृथ्वीराज की हार हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का सूबेदार नियुक्त हुआ। फिर हमारा 1194 चंदावर का युद्ध, जयचंद पराजित हुआ इसमें। 1205 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ हुआ इसी। फिर 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु, आराम शाह को परास्त कर इल्तुतमिश शासक बना। 1221 में चंगेज खां का भारत पर आक्रमण हुआ। 1236 में रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी, ठीक। फिर 1240 में रजिया सुल्तान की हत्या हुई। 1265 में ग्यासुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठा। 1279 में बंगाल में तुगलक
गोरिल खा का विद्दू, फिर है हमारा 1286 में ग्यासुद्दीन बलबन की मृत्यु, 1290 में खिलजी वंश की स्थापना हुई, जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक था इसका, ठीक है। फिर है 1296 से 1316 अलाउद्दीन खिलजी शासक बना रहा इस समय तक। फिर है हमारा, फिर है 1309 से 1313 तक मलिक कपूर का दक्कन अभियान, 1315 मलिक कपूर दक्कन से वापसी कपूर, ठीक है। 1320 में तुगलक वंश की स्थापना, 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना, 1333 से 1333 से 42 तक इब्न बतूता की भारत यात्रा, 1336 हरिहर एवं बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई, 1347 में बहमन शाह द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना की गई, 1393 में जौनपुर राज्य की स्थापना हुई, 1398 में तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण, दिल्ली पर अधिकार। फिर 1414 दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना हुई, 1414 से 1451 दिल्ली में सैयद वंश का शासन रहा। फिर है आगे 1451 में बहलोल लोधी द्वारा लोधी वंश की स्थापना की गई, और 1455 संत कबीर का जन्म हुआ है, कब 1455 में संत कबीर जी का जन्म हुआ है। 1469 में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का पंजाब की तलवंडी में जन्म हुआ, 1472 में शेर शाह सूरी का जन्म हुआ, 1483 में जहीरुद्दीन बाबर का फरगना में जन्म हुआ, 1509 में कृष्ण देव राय शासक बना, 1510 गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा हुआ, 1517 में इब्राहिम लोदी का राज्याभिषेक हुआ, 1519 में भारत में बाबर का प्रवेश हुआ, 1520 में बाबर का बीटा एवं सियालकोट पर आक्रमण हुआ। फिर है 1526, क्या है 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ है, पानीपत का प्रथम युद्ध, इब्राहिम लोदी की पराजय हुई, मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। 1527 में खानवा की लड़ाई बाबर द्वारा राणा सांगा को पराजित किया, 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ, ठीक है, जिसमें बाबर ने मेदिनी रॉय को पराजित किया, 1529 में घाघरा के युद्ध में बाबर द्वारा अफगानों की पराजय हुई, 1530 में बाबर की मृत्यु हुई, हुमायूं का सिंहासनारोहण हुआ, 1532 में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ, 1539 में चौसा के युद्ध में शेर शाह द्वारा हुमायूं की पराजय हुई, ठीक है। आगे बात करते हैं, 1540 में शेर शाह का दिल्ली पर अधिकार, 1542 हुमायूं के पुत्र अकबर का जन्म, 1555 में हुमायूं का भारत पर पुनः अधिकार, 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर द्वारा हेमू की पराजय, बैरम खां के संरक्षण में अकबर बादशाह बना, पुर्तगालियों द्वारा पहला पेंटिंग फेस भारत पहुंचा, ठीक है 1556 में, याद रखिए 1556 में क्या क्या हुआ, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें अकबर द्वारा हेमू की पराजय, बैरम खां के संरक्षण में अकबर बादशाह बना, 1556 में ही पुर्तगालियों द्वारा पहला पेंटिंग प्रेस भारत आया, 1562 में अकबर द्वारा दास प्रथा की समाप्ति हुई, 1562 में क्या हुआ, अकबर द्वारा दास प्रथा की समाप्ति हुई, 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हुई, क्रम से लगाने के लिए आ जाते हैं, याद रखिए इन सभी डेटों को, ठीक है। 1564 में अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति हुई, 1565 में तालीकोटा या राक्षसी
तंगड़ी का युद्ध हुआ, विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ इसी के साथ। 1568 में अकबर की चित्तौड़ विजय की गई, चित्तौड़ पर विजय प्राप्त हुई। 1569 में जहांगीर का जन्म हुआ। 1571 में अकबर द्वारा फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया गया। 1572 से 1573 गुजरात विजय की। 1574 से 76 में अकबर द्वारा बिहार बंगाल की विजय की गई। 1576 हल्दीघाटी का युद्ध हुआ, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप पराजित हुए। 1579 में अकबर ने महजरनामा जारी किया। 1582 में अकबर द्वारा दीन ए इलाही की घोषणा की गई है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1602 डच व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई। जहांगीर का राज्यारोहण हुआ। 1606 में जहांगीर द्वारा गुरु अर्जुन देव को फांसी दी गई है, याद रखना। 1606 में जहांगीर द्वारा गुरु अर्जुन देव को फांसी दी गई। 1610 में पुलिकट में डच फैक्ट्री स्थापित की गई। 1611 में मुस्लिमपत्तनम में प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित की गई। 1611 में मुस्लिमपत्तनम में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित की गई है अंग्रेज। फिर है 1611 में नूरजहाँ एवं जहांगीर का विवाह हुआ। 1615 में तामसरो भारत आया। 1622 में शाहजहाँ का विद्रोह। 1627 में जहांगीर की मृत्यु। 1628 में शाहजहाँ मुगल सम्राट बना। 1631 से 1653 में शाहजहाँ द्वारा ताजमहल का निर्माण कराया गया। 1636 में औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बनाया गया। 1639 में अंग्रेजों ने मद्रास में सेंट जॉर्ज किले की नींव रखी। 1646 में शिवाजी का तोरण पर अधिकार। 1648 में शाहजहां द्वारा शाहजहानाबाद का निर्माण शुरू। 1656 में शिवाजी का जावली पर अधिकार। 1659 में शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या, दारा सिखों को मृत्युदंड दिया 1659 में। फिर 1658 औरंगजेब का सिंहासन रूढ़ हुआ। 1664 में शिवाजी द्वारा सूरत की लूट, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1665 में शिवाजी और मुगलों के बीच पुरंदर की संधि हुई। फिर 1666 शाहजहाँ की मृत्यु हुई। 1666 में क्या हुआ, शाहजहाँ की मृत्यु हुई। 1670 शिवाजी का सूरत पर दूसरा आक्रमण। 1674 शिवाजी का रायगढ़ में राज्याभिषेक। फ्रांसीसियों द्वारा पांडुचेरी की स्थापना की, पांडुचेरी की। 1675 में औरंगजेब द्वारा गुरु तेज बहादुर को मृत्युदंड दिया गया। 1679 में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया। आगे 1680 शिवाजी की मृत्यु हुई। 1685 में अंग्रेज कंपनी का मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई स्थानांतरित किया गया। 1689 में औरंगजेब द्वारा संभाजी को मृत्युदंड साहू बंदी बनाया गया। 1698 में सूता नाटी कलिकता तथा गोविंदपुरी की जमींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, साहू की मुक्ति हुई। वो बहादुर शाह प्रथम सम्राट बना। 1708 में गुरु गोविंद सिंह का नादेड़ में निधन हो गया। 1712 में बहादुर प्रथम की मृत्यु, जहांदार शाह शासक बना। बार 1713 में बालाजी विश्वनाथ पेशवा बने। 1715 में सिख नेता बंदा बहादुर को मृत्युदंड। 1717 में फरूख सीयर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वतंत्र व्यापार का फरमान। 1720 में बाजीराव प्रथम पेशवा बने। सैयद बंधुओं का अंत हुआ।
1739 में नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर आक्रमण, कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन उसके साथ ले गया वो अपने कब्जे में। 1740 में अलवर्दी खां बंगाल का नवाब नियुक्त हुआ। सत्रह सौ बयालीस में बंगाल पर मराठों का अभियान, डुप्ले फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी का गवर्नर नियुक्त हुआ। 1744 से 48 प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ। 1743 में अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण हुआ। 1750 से 1754 दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ। 1751 में अर्काट पर अंग्रेजों का अधिकार क्लाइव द्वारा। 1756 में अलवर्दी खां की मृत्यु, सिराजुद्दौला बंगाल का की गद्दी पर बैठा और ब्लैक होल की घटना इसी के काल में हुई थी। ठीक है, सिराजुद्दौला की। ठीक, फिर 1757 से 63 में तीसरा आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ। 1757 में फिलासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला अंग्रेजों द्वारा पराजित हुआ तथा मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। 1758 में फ्रांसीसियों का फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा। 1760 में मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों की पराजय हुई। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया जिसमें अहमद शाह अब्दाली द्वारा मराठों को पराजित किया गया। 1763 में मीर जाफर पुनः बंगाल का नवाब बना। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। 1764 में क्या हुआ, बक्सर का युद्ध। 1765 में बंगाल में अंग्रेजों द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई। 1765 में क्लाइव की दूसरी गवर्नरी बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी कंपनी को मिली। 1767 से 69 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। 1772 में वॉरिंग हेस्टन बंगाल का गवर्नर जनरल बना। कंपनी द्वारा द्वैध शासन की समाप्ति हुई। 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। कंपनी का ब्रिटिश संसद का आंशिक नियंत्रण हुआ 1773 में। 1774 में रोहिला का युद्ध, वॉरिंग हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल 1774 से 85 तक रहा। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई इसी के समय। 1775 से 82 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया। 1777 में वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ। 1776 में पुरंदर की संधि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच हुई। 1780 में 80 से 84 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। 1784 में पीट्स का इंडिया एक्ट पारित हुआ। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। 1786 लॉर्ड कर्नवालिस गवर्नर जनरल बना। 1790 से 92 तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। 1792 में रणजीत सिंह गद्दी पर बैठे। 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। 1797 में श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसियों द्वारा जैकोबिन क्लब की स्थापना की गई। 1798 में लॉर्ड बेलेजली बंगाल का गवर्नर जनरल बना। 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। 1801 फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। फिर 1802 पेशवा के साथ बेसिन की संधि हुई। 1803 से 6 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया। फिर 1803 में सूरजी अर्जुन गांव की संधि हुई। 1806 में वेल्लोर का सैनिक विद्रोह हुआ। 1809 में कंपनी और रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। 1813 में चार्टर एक्ट अधिनियम आया। 1814 से 16 नेपाल के साथ युद्ध तथा सुगौली की संधि हुई। 1778 से
1818 तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, ठीक है। अठारह सौ अठारह में भारतीय भाषा में प्रथम समाचार पत्र समाचार दर्पण साप्ताहिक प्रकाशित, अष्टी की लड़ाई, कोरेगांव की सुरक्षा, पेशवा बाजीराव द्वारा आत्मसमर्पण किया गया 1818 में। 1818 में ही पेशवा पद की समाप्ति, बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों के पेंशन कार्यक्रम में बैठूर में भेज दिया गया है। 1820 से 1822 सर थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर बने रहे। 1821 में पूना में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। 1823 में मिस्टर एडम्स की कार्यवाहक गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त हुए, लॉर्ड एमहर्स्ट गवर्नर जनरल बने, ठीक। आगे बात करते हैं, 1824 में बैरकपुर में सैनिक विद्रोह हुआ। 1824 से 26 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ इसी। 1826 में यांडूप की संधि हुई। 1828 में विलियम बेंटिक बंगाल का गवर्नर जनरल बना। 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना हुई। 1829 में विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया। 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 1831 में राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए। 1833 भारतीय विधि आयोग का गठित, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया। राजा राम मोहन राय की बिस्टल में मौत हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक, याद रखना 1833 में ये सब हुआ। फिर 1835 चार्ल्स मेटकॉप द्वारा समाचार पत्रों से प्रतिबंध की समाप्ति, अंग्रेजी सरकारी भाषा बनी, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई 1835 में। फिर आगे बात करते हैं, 1838 कंपनी रणजीत सिंह तथा शाह सूजा के बीच त्रिदलीय संधि हुई। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हुई। 1839 से 42 तक प्रथम अफगान युद्ध लड़ा गया। 1841 में कलकत्ता में देश हितैषी सभा की स्थापना हुई। 1843 में सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा। 1845 से 1846 ईस्वी में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजी कंपनी तथा सिख राजा के बीच हुआ था, ठीक है, याद रखना। फिर 1847 में रुड़की में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई। 1848 में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बना। गोद लेने की प्रथा पर प्रतिबंध लगाया लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है, याद रखिए। 1848 से 49 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। 1851 में कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। 1853 में बम्बई से ठाणे तक पहली रेल लाइन का उद्घाटन हुआ। कलकत्ता से आगरा तक पहली टेलीग्राफ लाइन, पहली बार आईसीएस परीक्षा प्रारंभ हुई। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ। कलकत्ता में अंजुमन ए इस्लामी की स्थापना हुई, याद रखना संथाल विद्रोह कब हुआ, 55-56 में, ठीक है, 1855-56 में। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया है 1856 में। 1857 में कलकत्ता बम्बई तथा मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह हुआ 1857
58 में भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। 1858 में भारत का शासन कंपनी ने ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया कंपनी से। 1858 में 1 नवंबर 1858 में कुप्पिथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन किया, जिसमें वायसराय ने महारानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन की विधिवत घोषणा की तथा विक्टोरिया की ओर से एक घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया, जिसे भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1859 में बंगाल में नील विद्रोह हुआ और 1859 में कागज की का नोट जारी हुआ, गोद प्रथा की समाप्ति हुई। ठीक है, 1859 में। फिर बात करते हैं 1860 आया। 1860 में बजट की व्यवस्था की गई शुरू हुई। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ। 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 पारित हुआ। इसके अंतर्गत कलकत्ता बम्बई मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1862 में भारतीय दंड संहिता लागू हुआ, उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 1863 में कलकत्ता में मोहमंडन एसोसिएशन की स्थापना हुई, पटना कॉलेज की स्थापना हुई। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 1872 में प्रथम जनगणना प्रारंभ की, याद रखना कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, 1866 में क्या हुआ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना। 1872 में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी, याद रखिए। ठीक, लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में लॉर्ड मेयो की हत्या हुई और 1884 में बिहार में अकाल पड़ा। 1875 में सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई। फ्रेंड्स ऑफ वेल्स की प्रथम भारत यात्रा हुई और आय समाज की स्थापना हुई 1875 में ही। ठीक, 1876 लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित हुई। 1878 में लिटन का वर्नाकुलर पेस एक्ट पारित हुआ। 1878 से 80 में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। 1878 में ही अकाल आयोग की स्थापना की गई। 1881 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ, याद रखना 1881 में ही प्रथम नियमित जनगणना हुई लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है, 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त हुआ। स्कूल शिक्षा के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति हुई 1882 में। 1883 में एल्बर्ट विल का विवाद। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बम्बई में स्थापना हुई 1885 में। 1888 में कर्नल बेक द्वारा यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1889 प्रिंस ऑफ वेल्स की दूसरी भारत यात्रा। 1891 दूसरा फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ। 1892 ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ। 1893 एनी बेसेंट का भारत आगमन। 1895 बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव मनाया। 1897 भारतीय शिक्षा सेवा का गठन, तिलक को 18 मई की कैद हुई थी 1897 में। 1899 से 1905 लॉर्ड कर्जन वायसराय का कालकाल है। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित हुआ, पुरातत्व विभाग का गठन भी हुआ 1904 में। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1905 बंगाल का विभाजन, इस समय कर्जन वायसराय था। ठीक है, याद रखिए। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी। तिलक पर राजद्रोह का केस, तिलक को 6 वर्ष की कारावास हुई थी। ठीक, 1908 में गांधी जी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले जेल हुई। 1909 में मार्लेमेंटो सुधार, गांधी जी ने
हिंद स्वराज पुस्तक लिखी, भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ जी 1909 में, याद रखना है आपको, ठीक है। फिर आता है 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ, याद रखना बंगाल विभाजन रद्द के समय हार्डिंग बात रहे थे, ठीक है। और फिर है राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई, घोषणा हुई थी, ठीक है 1911 में। और 1912 में दिल्ली राजधानी बनाया गया था, घोषणा कब हुई थी 1911 में, बनाया कब गया 1912 में, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया 1912 में। फिर है 1913 सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला गीतांजलि के लिए, ठीक। फिर 1914 तिलक मांडले जिले से रिहा हुए। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग का गठन किया। 1916 में होम रूल लीग का गठन, कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच समझौता जिसे लखनऊ समझौता बोला जाता है, ठीक है। फिर आए हम लोग 1917 में मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार, गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ, एनी बेसेंट बंदी बनाई गई, ठीक है 1917 में। फिर आया 1919 जलियांवाला बाग नरसंहार, रोलेक्ट एक्ट पारित, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि वापस, मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार अधिनियम पारित हुआ 1919 में। फिर आते हैं हम लोग 1920 में, कब 1920 में असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ, गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटाई, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई 1920 में ही, ठीक। फिर आता है 1922 चोरी चोरा कांड हुआ, 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना हुई 1923 में। फिर है 1923 में ही मदन मोहन मालवीय द्वारा इंडियन पार्टी का गठन किया गया। फिर आता है 1924 कानपुर षड्यंत्र केस, गांधी जी बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष नियुक्त हुए, तो याद रखना 1924 में कानपुर षड्यंत्र हुआ और गांधी जी बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। 1925 में अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई 1925 में। फिर 1926 ट्रेड यूनियन एक्ट पारित, 1927 साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई, ठीक है। फिर है 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन स्थापना हुई, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी की स्थापना, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन भारत आया, लाला लाजपत की मृत्यु हुई, ये सभी 1928 में घटनाएं हुई। फिर 1919 की घटनाएं, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव और शारदा एक्ट पारित, 1930 में हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ, 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान, लंदन में प्रथम गोल में सम्मेलन हुआ, ठीक। फिर 31 गांधी इरविन पैक्ट द्वितीय गोल में सम्मेलन में गांधी की भागीदारी, गांधी जी की, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी हुई 1931 में। फिर 1932 सांप्रदायिक अधिनिय की घोषणा, पूना समझौता, देहरादून में राष्ट्रीय सेना अकादमी की स्थापना हुई। फिर 1932 प्रस्तावित सुधारों पर श्वेत पत्र जारी, संयुक्त चयन समिति का गठन, 1934 है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पटना में स्थापना, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस, बिहार में भूकंप आया, फैक्ट्रीज एक्ट लागू हुआ, रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना हुई, ठीक है 34 में। फिर 35 में क्या क्या हुआ, भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत हुई। फिर 1936 सम्राट जॉर्ज फाइव की मृत्यु, एडवर्ड एट का राज्यारोहण हुआ, 1937 नए चुनाव तथा नवीन प्रांतीय सरकारों का गठन हुआ, 1938 में
सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। फिर 1939 द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ 1939 में। सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए तथा बाद में त्यागपत्र दिया उन्होंने, ठीक है, गांधी जी ने, के विरोध के कारण। फिर 1940 जिन्ना द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक देश की मांग, गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में ही हुआ और विनोबा भावे पहले सत्याग्रह ही बने थे, ठीक है, याद रखिए। फिर 1941 सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से भागकर जर्मनी पहुंचे। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। 1943 आया फिर सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाई, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं 1944 में असम पर जापानी आक्रमण, आज़ाद हिंद फौज मणिपुर के नज़दीक पहुंची। 1945 में आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा, लॉर्ड वेविल की घोषणा हुई इसी में 1945 में। फिर आया 1946, 1946 की प्रमुख घटनाएं हैं, कैबिनेट मिशन भारत आया, अंतरिम सरकार का गठन, संविधान सभा की प्रथम बैठक, 16 अगस्त को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया, 2 सितंबर को अंतरिम सरकार गठित हुई, नोआखाली एवं टिफरा में 14 अक्टूबर को सांप्रदायिक दंगे, 25 अक्टूबर को बिहार में दंगे, 26 अक्टूबर 1946 को ही मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में विलय, 9 दिसंबर को संविधान सभा का प्रथम सत्र हुआ 1946 की, ये सभी घटनाएं हैं। फिर बात करते हैं 1947 की प्रमुख घटनाएं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा जून 1948 तक भारत छोड़ने का निर्णय लिया है। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरित किया जाना, भारत पाक विभाजन प्रस्ताव पारित, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने 1947 में। फिर आए 1948, महात्मा गांधी की दिल्ली में हत्या, जिन्ना की मृत्यु, भारतीय सेना द्वारा हैदराबाद की मुक्ति 1948 की, ये प्रमुख घटनाएं। फिर है 1950 में हुआ भारतीय संविधान लागू हुआ, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने 1950 में। फिर है 1951 प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई 1951 में। 1952 में हुआ प्रथम आम चुनाव। 1954 में क्या हुआ, चीन और भारत में पंचशील समझौता। 1955 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की आवड़ी चेन्नई अधिवेशन में समाजवादी समाज का लक्ष्य स्वीकार किया गया। फिर 1956 जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण। 1957 में दूसरे आम चुनाव हुए। फिर 1958 माप और तौल की मैट्रिक प्रणाली का प्रारंभ हुआ। 1959 में भारत में दूरदर्शन की शुरुआत हुई। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का बनना। 1961 में गोवा स्वतंत्र हुआ। 1962 में भारत पर चीन का आक्रमण। 1963 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और 1966 में ताशकंद समझौता हुआ, प्रधानमंत्री लाल बहादुर की मृत्यु हुई, शास्त्री जी की मृत्यु हुई, ठीक है। तो चलिए ये थी प्रमुख हमारी तिथियां। आगे बात करेंगे हम लोग भारतीय इतिहास के, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत देखेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रमुख तिथियां।